हमारी कहानी है हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ने वाली भाभी और ननंद की। लेकिन आज इन दोनों का नज़ारा कुछ और ही है। दोनों साथ मिलकर खाना बना रही है। हर दिन की तरह आज भी राजेश और उनकी माँ टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हैं। हाँ, आपको लगता है कि हमें नाश्ता मिलेगा कि मुझे हर दिन की तरह ही ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ेगा? सीमा और कविता दोनों टेबल पे नाश्ता लगा देती हैं। ये सब कुछ देखकर राजीव और उसकी माँ को बड़ा ही अजीब लगता है कि आज इन दोनों ने बिना ही कुछ बोले इतनी सुबह जल्दी ही नाश्ता बना दिया। अरे वाह, आज क्या बात है, वरना तो तुम दोनों उठती ही नहीं हो। आज उठी तो तुम दोनों साथ में और नाश्ता भी बना दिया। कुछ नहीं भैया, वो मुझे लगा मैं ना अब भाभी से थोड़ी हेल्प कर दूँ। भाभी अब चुप क्यों खड़ी है, बताओ ना भैया और माँ को कि मैं आपकी हर काम में मदद करती हूँ। हाँ माँ जी, कविता सही कह रही है, वो मेरे हर काम में मदद करती है। राजीव और उसकी माँ को ये बात समझ में नहीं आती है कि कल तक तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं थकती थी और आज ये दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। हाँ, इन दोनों में इतना सारा बदलाव कैसे आ गया, आपको पता है? मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों को क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। रोज़ रोज़ के झगड़े से तो हमें शांति मिली। फिर राजेश अपने काम पे निकल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थकती नहीं थी, पर आज ये दोनों दोस्त बन गई है। कैसे, चले हम आपको इनके पीछे का राज बताते हैं। इनकी बात है, कविता कुछ काम से बाहर जा रही थी तभी सीमा उसे रोकती है। कविता तुम बाहर जा रही हो, मुझे तुमसे कुछ काम था। मैं बाहर जा रही हूँ, आपसे कोई मतलब? तुम बाहर जा ही रही हो तो मेरा कुछ सामान है जो तुम्हें बाजार से लाना है, तो तुम आते वक्त लेती आओगी? भी मैं मेरे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे पास आपके इस फालतू काम के लिए कोई टाइम नहीं है। ओके प्लीज़, मैं जा रही हूँ, मुझे देरी हो रही है। ना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। फिर सीमा खुद ही अपना सामान लेने के लिए बाजार में आती है। सीमा जब वापस जा रही होती है तभी वो कविता को एक लड़के के साथ बैठे हुए देख लेती है। फिर सीमा दूर से ही उन दोनों को देखती है। अच्छा, ये जरूरी काम था इसका? इस कविता की बच्ची को तो घर आने दे, मैं मजा चखाती हूँ उसे। चारी कविता, उनको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, वो तो उस लड़के के साथ बात ही कर रही थी। क्या था, सीमा तो कविता के इंतजार में ही बैठी थी कब कविता घर आए और सीमा उस पर टूट पड़े। देर बाद कविता भी घर लौट आती है। आ गई तुम, हो गया तुम्हारा जरूरी काम। अभी मेरी कॉलेज की फ्रेंड शीतल है ना, उसके साथ में असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए गई थी। हाँ वो तो मैंने देखा, तुम कैसे असाइनमेंट सॉल्व कर रही थी। मैंने अभी तुम्हें किसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात घर पे किसी को ना बताऊँ तो चुपचाप से घर के सारे काम करने में लग जाओ। फिर क्या था, कविता तो कुछ भी नहीं बोल पाती है, जैसा सीमा कहती है वैसा ही उसे करना पड़ता है। फिर कविता घर के सारे काम करने में लग जाती है। फिर एक दिन सीमा को राजेश का फोन आता है। तुम जल्दी से तैयार हो जाना, हमें मेरे फ्रेंड के यहाँ डिनर पे जाना है, ठीक है? फिर कुछ देर बाद सीमा सुंदर सा ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तो सीमा जाने के लिए रेडी हो ही रही थी तभी वहाँ अचानक से कविता आ जाती है और उसे इन कपड़ों में देख लेती है। वाह भाभी,
आपने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना है। आजकल तो ऐसे कपड़े पहनना कॉमन है, पर आप ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो अभी इतनी रात को? फिर क्या था, अब सीमा को भी कविता को सारी बात बतानी पड़ती है। वो ना मैं और तुम्हारे भैया एक पार्टी में डिनर के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। अच्छा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप चाहती हैं कि मैं ये बात माँ को ना बताऊँ, तो अब से आपको भी घर के काम करने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। के अब हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करेंगे। प्लीज़ तुम ये बात माँ जी को मत बताना, वरना सारा घर सर पे उठा लेगी। ठीक है आप बेफिक्र होके पार्टी में जाइए, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊँगी। ये था इन दोनों के दोस्ती का राज।